प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि बढ़ने के साथ ही भरमौर क्षेत्र के हजारों लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। हर साल सर्दियों की दस्तक आने के साथ जिला कांगड़ा को पलायन कर जाने वाले हजारों लोग बैसाखी के बाद भरमौर लौट आते थे, लेकिन इस बार इस महामारी के चलते ये लोग जिला कांगड़ा में ही फंस गए हैं। उधर हजारों की तादाद में लोगों के फंसने के कारण सैकड़ों बीघा जमीन भी भरमौर इस बार बंजर रह रही है। हर वर्ष बैसाखी के बाद जिला कांगड़ा से यहाँ के लोग राजमा, मक्की, माह, कुल्थ आदि फसलों की बिजाई करते थे, लेकिन इस बार कांगड़ा में फंसने के कारण सैकड़ों बीघा जमीन पर बंजर रहने का संकट आ पड़ा है। लोगों का कहना है कि अगर सरकार बड़ी जल्दी उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था नहीं करती है तो इन फसलों से होने वाली कमाई से हजारों किसानों को हाथ धोना पड़ सकता है। आज जो प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई है उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन साथ में हमारे होली भरमौर के हजारों परिवार कांगड़ा में जो सर्दियों में चले माइग्रेशन करते हैं, चले जाते हैं, उनको सरकार से निवेदन करते हैं कि उनको उनकी आने की यहाँ आने की व्यवस्था की जाए, नहीं तो हजारों सैकड़ों भी है जो जमीन है वो बंजर है। उज्जवल हिमाचल के लिए भरमौर से मनोज ठाकुर की रिपोर्ट।